हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरुआत करें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और जो आपको प्रश्न में एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे आज, और इसको पूरा निचोड़ यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर फुल टेस्ट होगा आपका, टेस्ट नंबर आपका ये 6 है, और इसके पहले टोटल 5 टेस्ट आपका हो गया है। 5 टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कराया गया है, उसका पूरा निचोड़ कराया गया है। आप नहीं देखें तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में प्रधान शिक्षक का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, प्रधानाध्यापक का अलग बना हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको वहाँ पर पड़ा हुआ है, और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये संभावित है आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 100% संभावना है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार जितने भी सवाल है वो सिलेबस के अनुसार ही हैं, और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी क्लास होगा उसका लिंक PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको CTET की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, आपके अगर सगे संबंधी हों तो उनको बता दीजिए कि CTET की भी क्लास हो रही है। और CTET की जो क्लास होगी ये मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, टीचमेंट ऐप पर आपकी क्लास चलेगी। तो जिनको एडमिशन लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है 7857824310, कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल है कि ढलवा लोहे में लोहा कितना होता है, यानी ढलवा जो लोहा होता है इसमें लोहे का प्रतिशत कितना होता है, 50% या 50 से 60% या 70 से 90% या 92 से 95%। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा बताइए। ढलवा लोहे में लोहे का जो प्रतिशत होता है वो होता है 92 से लेकर के 95% तक, ठीक है, 92 से 95% तक इसमें लोहा होता है। दूसरा सवाल है आपका कि किसी द्रव्य के, सभी लोग नीचे कमेंट करते चलिएगा, है ना, A, B, C जो भी आपका आपको लगता हो, जो आपको आता हो। कह रहा है कि किसी द्रव्य के अणुओं और द्रव्य से स्पर्श करते हुए किसी ठोस के सीमा पृष्ठ के अणुओं के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं। तो किसी द्रव्य के अणुओं और द्रव्य से स्पर्श करते हुए किसी ठोस के सीमा पृष्ठ के अणुओं को मध्य आकर्षण को कहा जाता है आसंजन, ठीक है, क्या कहा जाता है, आसंजन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि विद्युत झटके के शिकार व्यक्ति की प्राथमिक सहायता है। अगर आपको विद्युत झटका लगता है ना, आपको लाइन अगर लग जाता है तो आपको प्राथमिक उपचार क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार होनी चाहिए पीने के लिए दूध या कोई ठंडा पेय पदार्थ। आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि pH का मान प्रदर्शित करता है। दोस्तों देखिए, pH का मान जो होता है ना, अगर pH का वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होता है, ये क्षारीय होता है। 7 से अगर ये कम है तो इसको क्या कहते हैं, 7 से कम है तो अम्लीय है, और अगर 7 है तो क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो अगर कह रहा है कि pH मान अगर 10 हो तो उसका वैल्यू, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्षारीय। 7 से ज़्यादा होगा तो इसको क्या कहेंगे, क्षारीय, कम होगा तो अम्लीय, और 7 होगा तो उदासीन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, होलोग्राम क्या है। देखिए, होलोग्राम क्या है बताइए। ऑप्शन कह रहा है कि किसी खोखली वस्तु का आंतरिक दृश्य है, या व्यक्तिकरण में बनी रंगीन फ्रिज है, या हीलियम का रेखिल वर्णक्रम है, या किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। तो होलोग्राम क्या है, होलोग्राम है आपका किसी वस्तु के त्रिविमीय दृश्य को होलोग्राम कहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर पॉइंट प्लांट में कौन सी गैस शीतलक की तरह प्रयुक्त की जाती है ना, न्यूक्लियर पावर जो प्लांट होता है वहाँ किस गैस को शीतलक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका फ्रियोन, हीलियम, अमोनिया या क्लोरीन, क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है। प्रशीतक के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, कहाँ, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नेक्स्ट है आपका कि द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। देखिए, द्रव्य की आप 3 अवस्था तो पढ़े हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, लेकिन द्रव्य की चतुर्थ अवस्था क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, या लेजर है, या फिर प्लाज्मा है, या फिर द्रव्य की केवल 3 अवस्थाएँ ही होती है। तो द्रव्य की जो चतुर्थ अवस्था है वो उसे कहा जाता है प्लाज्मा,
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या होगा, यदि रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरण पड़ती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, कह रहा है कि वह काम करना बंद कर देगा या शीतलक लीक करने लगेगा, या फिर कह रहा है कि कैबिनेट भाग पर तुषार बन जाएगा, या कम ठंडा करने वाला प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा अगर रेफ्रिजरेटर को सूर्य की किरणें पड़ती है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये कम ठंडा करने वाला प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये ठंडा कम होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि सौर सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, अगर सौर सर्किट होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, महत्तम होगी, न्यूनतम होगी, शून्य होगी, या पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सौर सर्किट की स्थिति में क्या होगी, तो 9 का हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगी, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किससे बदलता है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर किसे बदलता है, ऊर्जा को बदलता है या आवृत्ति को या फिर शक्ति को या फिर वोल्टेज को, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को बदलता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृति हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ विकृति या प्रत्यास्थ विकृति की सीमा या प्लास्टिक विरूपण या फिर समरूप विकृति, तो उसे कहा जाता है दोस्तों प्लास्टिक विरूपण, ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला है आपका 12 नंबर कि ज्वाला का कौन सा वर्ण उच्चतम तापमान दिखाता है, ज्वाला यानी कि फ्लेम का कौन सा वर्ण यानी कि कलर उच्चतम तापमान दिखाता है, गहरा लाल या फिर नीला या फिर हल्का पीला या फिर सफ़ेद, क्या होगा, तो उच्चतम ताप जो दिखाता है वो हो जाएगा आपका नीला, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब SI यूनिट में निम्न के बराबर होगा, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, किसमें, तो SI यूनिट में कह रहा है, तो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है आपका 1.123 बार, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर SI यूनिट में उसका मान कितना होता है, तो 1.0123। अगला सवाल है आपका कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो नमन कोण होता है आपका दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा नमन कोण 90 डिग्री, यानी कि सी नंबर। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, देखिए जब कोई संविधान में संशोधन होता है तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको फिर से एक बार मतलब कि लौटा देते हैं और उसको उसमें कुछ अगर ऐसा लगता है तो परिवर्तन करने के लिए उसको लौटाया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, तो रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। और नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है कि उस पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर सकते हैं, इनकार भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, ये भी नहीं करेंगे। कह रहा है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है, जो राष्ट्रपति है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार जरूर वापस भेजते हैं, और जब फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसको मंजूरी मिल जाती है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था आपका। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है, देखिए राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग किसका समझा जाता है, जो देखिए आपका जो संसद है, जो संसद है ये तीन से मिलकर के बना होता है, एक तो राष्ट्रपति होता है इसमें, है ना, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, यानी कि तीनों से मिलकर के बनता है हमारा क्या, हमारा संसद, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों संसद का अभिन्न अंग होता है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, राष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद आपका 52 में इसका वर्णन किया गया है, राज्यसभा अनुच्छेद कितने में है बताइए सभी लोग, राज्यसभा जो आपका अनुच्छेद कितने में है,
कमेंट करके फटाफट बताते चलिए। राज्यसभा है दोस्तों आपका 80 में, अगर पूछ लिया जाए लोकसभा अनुच्छेद कितने में है तो लोकसभा हो जाएगा आपका 81, यानी और संसद कितने में है तो संसद भी याद रखिएगा आपका 79, यानी कि 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा 5 साल के बाद ये भंग हो सकता है, 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, लेकिन इसका जो लिमिट है वो 5 साल है आपका, तो ये चीज़ याद रखना है। राष्ट्रपति किसका भिन्न अंग है तो संसद का। अगला है कि कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है, तो कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति पूछा जा रहा है, तो वास्तविक कार्यपालिका या राज्य का संवैधानिक प्रधान या सरकार का संवैधानिक प्रधान या फिर शासकीय दल का प्रधान होता है, तो 17 का क्या हो जाएगा आपका, 17 का क्या होगा, तो 17 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि ये राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका में भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्य का संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है आपका कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, तो हुसैन सागर झील वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हुसैन सागर झील जो आपका है वो है आपका हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में है दोस्तों। और हुसैन सागर जो झील है ये किसको किसको अलग करती है, तो ये अलग करती है आपको हैदराबाद को सिकंदराबाद से, हैदराबाद को सिकंदराबाद, सिकंदराबाद बीच में है आपका हुसैन सागर झील, एक साइड है हैदराबाद एक साइड है आपका सिकंदराबाद, ये दोनों को अलग करती है। ठीक है, और ये किस प्रकार की झील है, तो ये कृत्रिम झील है। ठीक है, कैसी झील है, तो ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है, और ये कहाँ है तो याद रखिएगा तेलंगाना में है। ठीक है, किस राज्य में है, ये तेलंगाना में है, और क्योंकि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना जो राज्य बना था वो कब बना था याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण होता है। और एक चीज़ और, हुसैन सागर जो झील है ये मूसी नदी पर बनाया गया है ना, मूसी नदी पर ही बनाया गया है, मूसी नदी की जो सहायक नदी है उस पर बनाया गया है। ये जो हुसैन सागर झील था इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1562 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंतरस्थलीय यानी कि इनलैंड मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जो मछली की उत्पादन होती है भारत में वो होती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि मछली का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, ये राज्य आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और यहाँ सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया है, तो आप पश्चिम बंगाल यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर आप टिक करके निकल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कह रहा है कि भारत का राजनीतिक युग्मन यानी कि इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है, तो भारत का जो राजनीतिक युग्मन अभी वर्तमान में है तो वो किस बुद्धिजीवी का कमाल है, वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं का योगदान है कि भारत जो है आज एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत में बहुत सारे देशी रियासत थे और वो नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही उनको भारत में ज़बरदस्ती या फिर किसी प्रकार से राजनीतिक रूप से या फिर बल के माध्यम से किसी प्रकार से उसको भारत में मिलाया गया, और भारत एक आज क्या है, एक राजनीतिक युग्म के रूप में उभर कर निकला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 राज्य ऐसे थे जो आपको भारत में नहीं मिल पाए थे, एक तो थे आपके जूनागढ़, हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज की बात कर रहा है, तो देखिए प्राचीन भारतीय जो हमारा समाज था
उसमें इसको आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? आश्रम व्यवस्था। और प्राचीन समय में जो मनुष्य की आयु होती थी ना, इसको 100 भागों में बांटा गया था, है ना, सॉरी 100 वर्ष में बांटा गया था इसको, और 100 वर्ष में 25-25 वर्ष में इसको 4 भाग में बांटा गया था आपका, ठीक है, मनुष्य की आयु को। और 4 जो ये आश्रम थे वो कौन कौन से आश्रम थे दोस्तों? तो एक तो पहला था आपका, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, पहला जो था वो था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा कौन सा था? ये क्रम भी आपको पूछ लिया जाता है, पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था आपका गृहस्थ, दूसरा क्या था? गृहस्थ था, और तीसरा था आपका वानप्रस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ था, और आपका चौथा आश्रम क्या क्या नाम था उसका? संन्यास। यानी कि इस प्रकार से मनुष्य का जीवन पहले निर्भर करता था, ठीक है, जो प्राचीन समय में सबसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, और लास्ट में था आपका सन्यासी जीवन। तो मनुष्य के जो आयु था पहले 100 वर्ष माना गया था, और उसको 25-25 वर्षों में 4 बराबर भागों में बांटा गया था, ठीक है, तो इसको आश्रम व्यवस्था के रूप में बांटा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 22 नंबर, कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा कहाँ पराजित हुआ था? देखिए आपका तराइन का युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुआ है तराइन का, एक तो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है, तो दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हो गया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 23 नंबर, कि अलाउद्दीन का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित था? दोस्तों यहाँ पर महान हो जाएगा आपका, है ना, तो देखिए अलाउद्दीन के दरबार में जो महान कवि रहते थे उनका क्या नाम था? तो अलाउद्दीन के दरबार में महान कवि थे आपको अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। अमीर खुसरो जो थे ना, इनको तोता ये हिंद कहा जाता है, ठीक है, तोता ये हिंद या फिर तूती ये हिंद भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अमीर खुसरो बहुत सारे पुस्तकों का भी पुस्तक भी लिखे थे, जैसे कि नूह सिपेहर आशिका इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए अमीर खुसरो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि अमीर वो कौन सा कवि था जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो वो था आपका अमीर खुसरो। किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला है आपका 24 है, कि ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? देखिए ओजोन परत जो है, पहले भी हम बताए थे, सब जो हमारी मंडल है पृथ्वी में, पृथ्वी जो वायुमंडल है उसमें कितने मंडल है? तो टोटल मंडलों की संख्या आपको 5, एक तो हो गया क्षोभ मंडल सबसे निचले वाले, फिर हो गया समताप मंडल, फिर हो गया मध्य मंडल, फिर हो गया आपका आयन मंडल, और फिर हो गया आपका बहिर्मंडल। तो टोटल कितने मंडल हो गए? 5 मंडल हो गए, ठीक है। तो कह रहा है कि ओजोन क्षरण, देखिए ओजोन जो परत है वो आपको समताप मंडल में मिलता है, ये कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ओजोन जो परत है वो किस मंडल में है, तो वो है आपका समताप मंडल, ठीक है, समताप। समताप मंडल में क्या होता है? तो वायुयान जो उड़ता है वो समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। तो ओजोन क्षरण, अगर ओजोन जो परत है उसकी अगर क्षरण हो जाए, मतलब कि वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो उससे बहुत प्रकार की बीमारियां फैलती है, जैसे स्किन कैंसर फैल सकता है आपको, ठीक है, और भी बहुत प्रकार की उससे बीमारियां फैलती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है फेफड़ों की क्रियाओं में कमी हो सकती है, अतिपाती बीमारी हो सकती है, या फिर संवेदन तंत्रीय उत्तेजन हो सकता है, या फिर कोलिनेस्ट्रेस या एंजाइमिटिस क्रिया हो सकती है आपको। तो 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा आपका संवेदन तंत्रीय उत्तेजन होता है आपका, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगर यहाँ पर स्किन कैंसर वगैरह भी ऑप्शन में रहता तो आप सही कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25, कह रहा है कि सरल या फिर नरम ऋण का अर्थ क्या होता है? सरल मतलब सॉफ्ट लोन, है ना, सरल, देखिए हिंदी यही लिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, सॉफ्ट लोन, है ना। अगर एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन मिला और उसमें हिंदी आपको गलत दिया हुआ है, मान लीजिए हिंदी कोई ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश में कुछ और दिया हुआ है, तो इंग्लिश का ही वहाँ पर मान्य होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हिंदी में गलत दे दिया है और हिंदी पढ़ के आप मार दिए हैं एग्ज़ाम में और आपका गलत हो गया, लेकिन वो इंग्लिश में सही दिया हुआ था, तो इंग्लिश का ही मान्यता होगा, ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन में भी लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो सरल या फिर नरम ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, या कृषि कार्यों के लिए ऋण, या फिर निम्न ब्याज दर पर ऋण, या फिर उपभोग के उद्देश्य के लिए ऋण। तो
तो नरम ऋण का मतलब होता है आपका निम्न ब्याज दर पर ऋण, ठीक है। क्या होता है? निम्न ब्याज दर पर ऋण। भारत में बहुत सारे ऐसे जो बैंक हैं जो अल्पकालिक ऋण देता है, जैसे कि अगर कृषि कार्य के लिए आपको ऋण लेना है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आपका, उससे आप ऋण ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, वह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति को नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसा बम है भाई? कह रहा है कि जीवन को नष्ट कर देगा लेकिन संपत्ति नष्ट नहीं करेगा, वो कौन सा बम है? एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, या फिशन बम है, या फिर न्यूट्रॉन बम है? तो क्या हो जाएगा आपका? वो जो बम है वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम जो आपका मतलब आपके लाइफ को तो खत्म कर देगा लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं करेगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि भारत में हरित क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक प्रश्न छपेगा निश्चित है हरित क्रांति से आपका, कि है ना, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही थी? देखिए, हरित क्रांति हुआ कब था तो याद रखिएगा 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति, ठीक है। 1966-67 में हरित क्रांति हुई थी और हरित क्रांति में सबसे अधिक जो सफल जो रही थी वो था आपका गेहूं। गेहूं सबसे अधिक सफल रहा था क्योंकि गेहूं के उत्पादन में ना 400 गुना की वृद्धि हो गई थी। याद रखिएगा कितने गुना की? 400 गुना की वृद्धि हो गया था। मान लीजिए कि 1 किलो अगर गेहूं हो रहा था ना तो सीधा 400 किलो गेहूं होने लगा था, 400 गुना इसमें वृद्धि हो गया था गेहूं के उत्पादन में। सबसे अधिक उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुआ तो गेहूं। दूसरे नंबर पर कौन था? तो वो था आपका चावल। तीसरे नंबर पर था आपका मोटे अनाज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन था, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगर आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वो कहाँ के थे? तो वो थे आपको अमेरिका के, ठीक है। तो इतना सारा सवाल आपको पूछा जाएगा हरित क्रांति से, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या है? देखिए, लिटिल बॉय ये कोई छोटा बच्चा नहीं है और ये फैट मैन कोई मोटा बच्चा नहीं है, ठीक है, ये बम का नाम है मेरे भाई। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पे आपको बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा गिराया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। जैसा ही बम गिरा, ये जो मामला था, जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था दोस्तों कि हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? तो ये अमेरिका के बम के नाम था आपका, ठीक है, अमेरिका का जो बम था उसका ये नाम था, ठीक है। और हिरोशिमा पर सबसे पहले गिरा था, उसके बाद नागासाकी पर। अगला है आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा बेसिक चट्टानों के रूप में, देखिए चट्टान के बारे में आपको पूछा गया है, जो चट्टान होता है ना, यानी कि जो पत्थर होता है, तो सबसे पहले जिस पत्थर का निर्माण होता है तो वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का सबसे पहले निर्माण होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लें कि ये मान लीजिए क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से जब लावा निकलती है, यानी कि मैग्मा निकलती है, ठीक है, क्योंकि इसको मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी पर जब मैग्मा आ जाती है तो इसको लावा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है ना, और ज्वालामुखी फटने के बाद जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उसको जमने से ही चट्टान का निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के ही बाद टूटने फूटने और दूसरे जगह जाकर के जमने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, और अवसादी चट्टान के ताप एवं ताप क्रिया से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ये तीन चट्टान ये क्रम से हैं, ये आप याद रखिएगा। तो बेसिक चट्टान कौन कौन से हैं? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, चट्टान से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, कभी और इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आपका सीटेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 30 नंबर। कह रहा है कि विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? देखिए, तंबाकू का उत्पादन में भारत जो है दोस्तों ये दूसरे नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। पहला स्थान जो है वो आपका चीन में है ना, पहला स्थान किसका है? चीन का है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि
तंबाकू उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? राज्य की अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर है, पहला नंबर आपका चाइना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म क्यों है? अब देखिए, जब तक आपको मानचित्र का ज्ञान नहीं होगा, है ना, चेन्नई कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, तब तक इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते। रट तो लीजिएगा, लेकिन अगर बाद में पूछ लिया जाए कि पटना जो है, चेन्नई जो है पटना से ज़्यादा गर्म है, तो आप क्या कीजिएगा फिर? इसीलिए इस क्वेश्चन का मानचित्र आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मानचित्र से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये रहा आपका भारत का मानचित्र, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये भारत का मानचित्र है। और कह रहा है कि कोलकाता, तो कोलकाता कहाँ पर ही है? चलिए कोलकाता को देखते हैं। ये रहा आपका कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों कलकत्ता आपका, ठीक है। तो यहाँ कलकत्ता है और चेन्नई है आपका यहाँ। देखिए अब 0 डिग्री जो गुजरी है ना, 0 डिग्री यहाँ से गुजरी है और 0 डिग्री के ऊपर है आपका भारत। भारत के बीचों बीच से गुजरी है आपको 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा, है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा गुजरी है। तो जो भी शहर है ना, जो भी शहर अगर विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री के पास है, जितना भी पास होगा वो शहर उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। तब देखिए चेन्नई नज़दीक है कि कलकत्ता नज़दीक है? तो चेन्नई ना नज़दीक है, तो चेन्नई तो गर्म होवे करेगा, कलकत्ता इसके अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा। चेन्नई में और क्या है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है ना, तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, पूरा पानी ही पानी है। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या रहेगा, नमी भी रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी भी, उमस भरी गर्मी रहती है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन गर्मी रहता है कोलकाता के अपेक्षा ज़्यादा। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि उसके आसपास कोई पर्वत नहीं है, बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि चेन्नई जो है कोलकाता की अपेक्षा समुद्र के अधिक निकट है। अगला है कि चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है। ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ठीक है, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? जी हाँ, खाड़ी की बात कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। देखिए खाड़ी कहते किसे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि खाड़ी किसे कहते हैं, तो ये है आपको बंगाल की खाड़ी। इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो वैसे मतलब कि जलीय क्षेत्र जिसके एक ओर से क्या हो, जल हो, और तीन ओर से क्या हो दोस्तों, स्थल हो। एक ओर से क्या हो, जल हो, और तीन ओर से स्थल हो, वैसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, है ना, मैक्सिको की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी, हरमुज की खाड़ी, बहुत सारे खाड़ी है। जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति देखे कि एक साइड से जल हो, तीन साइड से स्थल हो, तो वो क्या हो जाएगा, खाड़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो वो है आपको मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ पे? अगर मानचित्र में पूछ लिया जाए कि मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ पे, तो मान लिया जाए ये उत्तरी अमेरिका महादेश है और ये आपका दक्षिण अमेरिका महादेश है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, और ये है आपको अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, और यहीं पर है आपको मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको देश भी आपको यहीं पर मिलेगा और उसी के नाम पर ये मैक्सिको की खाड़ी पड़ा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बांध में, प्रश्न कह रहा है कि बांध में भंडारित जल किस दिशा में दाब लगाता है? बांध में भंडारित जल जो है वो किस दिशा में दाब लगाता है? अगर मान लिया जाए बांध बना दिया गया, ठीक है, बांध, पानी को बांध बना करके रोक लिया गया, तो जो जल है ना, जो भंडार का जल का जो भंडार है, वो किस दिशा में दाब लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा? कह रहा है कि मुख्यतः नीचे की ओर, मुख्यतः ऊपर की ओर, या सभी दिशाओं में, या मुख्यतः किनारे पर। तो किस ओर वो ताकत लगाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि मुख्यतः वो नीचे की ओर, मतलब कि उसका दाब लगेगा। क्योंकि देखिए जब बांध होता है ना, मान लीजिए ये नदी बह रही है, यहाँ पर बना दिए बांध, इधर से पानी आ रहा था, यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, जमते चला जाएगा। अब यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर वजन तो बढ़ेगा ना, तो ये नीचे की ओर ही तो मतलब ये दबाव डालेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नीचे की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। कह रहा है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है। जी हाँ, क्रिकेट तो खेले ही होंगे, जैसे ही कैच आता है तो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगर नहीं खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, छटक कर गिर जाएगा या फिर आपको चोट लग जाएगा। कह रहा है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। नहीं आप पीछे खींचिएगा ना तो ज़बरदस्त चोट लगेगा भैया, और गेंद भी छटक के नीचे गिर सकता है। इसीलिए कैच अगर सीखना है पकड़ने के लिए, तो जस्ट जैसे ही गेंद में हाथ में गेंद आवे, पीछे की ओर खींचिए, एकदम चोट नहीं लगेगा। कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम,
संवेग संरक्षण के कारण या द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण के कारण या फिर हाथ के केंद्र में शक्ति के संतुलन के कारण। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर होगा, यानी कि संवेग संरक्षण की वजह से ऐसा करना चाहिए। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम। अगला है कि एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच में देखा जाता है तो वह दिखाई देगा। एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा, लाल, बैंगनी, हरा या फिर काला, तो क्या होगा, तो ये दिखा देगा आपको, काला कलर का दिखाई देगा। ठीक है, जब एक वस्तु, लाल वस्तु को किसी नीले कांच में देखिएगा तो कैसा दिखेगा, तो वो काला दिखेगा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर की किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है आंसर। ठीक है, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम नहीं है, वो देश है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है ये द्वीपों का देश भी कहा जाता है इंडोनेशिया को, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर के बना हुआ देश है। मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है, तो इंडोनेशिया में ही है। दूसरा नंबर पर है आपका भारत। ठीक है, दूसरा भी आपका पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। दूसरे नंबर पर भारत है, भारत पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में ही है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका पाकिस्तान का नंबर आता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है। भाई सही बात है, पीसा की जो मीनार है ना वो कैसी है, झुकी हुई है, यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है इसको, ये क्यों नहीं गिरती है। कह रहा है कि यह शिखर पर टेपरित होती है, या बृहद आधार क्षेत्र घेरती है, या फिर इसका गुरुत्वीय केंद्र यानी कि CG निम्नतर स्थिति पर है, या फिर कह रहा है कि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रखती है। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, यही कारण है कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। देखिए, पीसा की झुकी हुई जो मीनार है ना, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था आपको 1173 ईस्वी में। ठीक है, इसको बनने में 200 साल लग गया था। सोच लीजिए, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है इसको बनने में 200 साल लग गया, और ये बन करके कब तैयार हुआ, तो 1373 ईस्वी में ये बन करके तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 55.86 मीटर इसकी ऊंचाई है पीसा की झुकी हुई मीनार की। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो मीनार कहाँ पर ही है, बस दो है ना, किस देश में है ये मीनार, ये आपको कमेंट कीजिए फटाक से। कह रहा है कि एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर कहाँ गिरेगा। आप भी कभी ऐसा प्रयोग किए ही होंगे, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल जो बटन दिख रहा है उसको जैसे ही प्रेस कीजिएगा बगल में, तो वो काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो जाएगा तो उसको छोड़ देना है, फिर से लाल नहीं करना है। ठीक है, हाँ, तो और उसके बाद बगल में घंटी है, घंटी को ही बजा देना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर गेंद फेंकता है, पत्थर कहाँ पर गिरेगा। तो पत्थर गिरेगा कहाँ पे, पत्थर गिरेगा उसी के ऊपर। 38 के हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, यानी कि फेंकते समय पत्थर का जो क्षैतिज वेग है वो वाहन के वेग के बराबर होता है, यही कारण। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि सैलो से भरी हुई एक नाव तरल ताल के मध्य तैरती, एक नाव की बात कर रहा है ना, सैल से भरी हुई एक नाव है जो तरल ताल के मध्य से तैरती है, और नाव में बैठा हुआ एक व्यक्ति नाव से जल में सैल क्या करता है, फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंक रहा है, तो तरल ताल का जल स्तर क्या होगा दोस्तों, तो बढ़ेगा या गिरेगा या फिर अपवर्तित रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा और बाद में गिरेगा, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिरेगा, है ना, इसका स्तर, जल स्तर जो है वो धीरे धीरे कमेगा। अगला है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम नियम किसके समान होता है। तो विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलॉम नियम किसके समान होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है कि बिग बैग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। देखिए, बिग बैग जो सिद्धांत है ये आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बिग बैग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है आपका बिग बैग सिद्धांत। ठीक है, चलिए,
देखिए इस सिद्धांत, ये जो बिग बैग जो सिद्धांत था ये किसने दिया था, अगर पूछ लिया जाए कि इसका देने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, तो श्रेय जाता है एडविन हब्बल, ठीक है, क्या नाम था इनका, एडविन हब्बल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये श्रेय किसने किसे जाता है, एडविन हब्बल को। अगला है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। देखिए प्राचीन काल में जितने भी काव्य महाकाव्य लिखे गए हैं अधिकतर वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। कैसी लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में, आप ऋग्वेद को ले लीजिए, सबसे प्राचीन जो महाकाव्य हमारा किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 42 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और भारत का पहला जो महाकाव्य था वो कौन था, तो वो भी ऋग्वेद ही था आपका, है ना। ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत था। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, तो वो पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में, पाली भाषा में। और अशोक के जो अभिलेख थे, है ना, अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखा गया था, तो अशोक का अभिलेख ब्राह्मी भाषा में भी लिखा गया था और खरोष्ठी में भी लिखा गया था, ठीक है, दोनों में लिखा गया था, ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में था आपका अशोक के शिलालेख। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी, है ना, राजधानी तो हमेशा पूछा गया है और काफ़ी ईजी प्रश्न है। देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसका जो पहले राजधानी था वो था आपका राजगीर, बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन जो पहले इसका राजधानी था वो था आपका राजगीर। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। प्रथम राजधानी राजगीर था। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए साम्राज्य की राजधानी प्रथम, देखिए यहाँ पर प्रथम नहीं पूछा गया है, अगर प्रथम पूछता ना तब राजगीर मार सकते थे, लेकिन वर्तमान में आप पाटलिपुत्र भी मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम नहीं पूछा गया, अगर प्रथम पूछता ना तब होता आपका राजगीर, ऐसे आप पाटलिपुत्र ही मारिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 41 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सॉरी 43 ना है, हाँ 43 का सी नंबर, ठीक है, प्रथम पूछता तो राजगीर मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि जब एक झील के सतह पर जल जमने जा रहा है, तो उसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा। देखिए ठंडा के दिन में क्या होता है, बड़ा बड़ा जो झील है ना वो पूरा जम जाता है, ठीक है, पूरा बर्फ़ बन जाता है, है ना, लेकिन ऊपर ही बर्फ़ बनता है ना, मान लिया जाए ये झील है तो ऊपर ही बर्फ़ बनेगा, नीचे क्या, ऊपर क्या है, ऊपर बर्फ़ बन गया, यानी कि नीचे क्या, नीचे पानी ही है, ठीक है, इस प्रकार से रहता है, बहुत सारा वीडियो देखे होंगे आप, है ना, तो इस प्रकार से रहता है, ऊपर जम जाता है लेकिन नीचे वो पानी रहता है। तो कह रहा है कि उसके तल का टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके तल का जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन होता है ना, यानी कि जो हवाई जहाज, उसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन कह रहा है कि वस्तु के संरक्षण के सिद्धांत, शक्ति के संरक्षण के सिद्धांत, या फिर कोणीय अघूर्ण के संरक्षण का सिद्धांत, या फिर रैखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो जेट इंजन जो कार्य करता है वो करता है आपको रैखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे ये काम करता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है, बाजार के लिए उत्पादन, उत्पादन की पूंजी सघन पद्धति, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, या आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। 46 का क्या होगा दोस्तों, आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण कौन सा नहीं है, तो नहीं है, याद रखिएगा, नहीं हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। अगला है कि मानव हृदय की रक्त वाहिका नलियां क्या कहलाती हैं। तो मानव हृदय की रक्त वाहिका जो नलियां हैं इसे क्या कहते हैं, कोरोनरी वाहिकाएं कहते हैं, या फिर कैरोटिड वाहिकाएं कहते हैं, या फिर पल्मोनरी वाहिकाएं कहते हैं, या फिर हेपाटिक वाहिकाएं कहते हैं। तो मानव हृदय की रक्त वाहिकाएं नलियां कहलाती है, और वो कहलाती है आपको कोरोनरी वाहिकाएं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। वीडियो को जरूर से जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस एक मोटिवेट होते हैं, ठीक है, कि हाँ आपने, आपको अच्छा लगा आप वीडियो लाइक किए, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं कि हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, कुछ इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप मैसेज कीजिए, है ना, कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी तो एक 10 साल से 15 साल से कोई 12 साल से टीचर बने हुए हैं, तो आपके पास भी काफ़ी अनुभव है। करेक्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन से आम चुनाव में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है,
बहुत बार हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा संशोधन था, क्योंकि पहले जो वोट देने का उम्र था ना वो 18 था, लेकिन अभी क्या है 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये जो संशोधन हुआ था आपका ये कब हुआ था, तो ये जो संशोधन हुआ था आपका 1889 में, 18 सौ थोड़ी होगा भाई, 1989 में होगा है ना, 1989 में हुआ था ये संशोधन। और ये कैवा संशोधन था, तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें उम्र जो वोट देने का उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 कर दिया। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था, ये कई बार पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ना, मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक विदेशी मुद्रा करता है, या फिर खली, या फिर मसाले, या फिर चाय। देखिए, भारत का सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा जो अर्जित होता है वो है आपका चाय, क्योंकि भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसे विश्व में अगर पूछा जाए कि चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चाय याद रखिएगा चीन, चाय चीन में सबसे अधिक होता है, और भारत में भी चाय बहुत अधिक मात्रा में होता है, और भारत बहुत अधिक चाय क्या करता है, निर्यात कर देता है दूसरे देशों को, और इससे मतलब सबसे अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा हमें अर्जित होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं। तो सबको पता है कि गणपति यानी कि गणेश उत्सव जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र का फेमस उत्सव है, है ना, महाराष्ट्र का गणपति उत्सव जो है बहुत फेमस उत्सव है, सबसे विराट रूप में वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि बिहार का कौन सा फेमस है, तो छठ पूजा, उसी प्रकार से महाराष्ट्र का कौन सा है, तो गणपति उत्सव। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणपति उत्सव जो है इसको शुरुआत किसने किया था, शुरुआत कब हुआ था, किसने किया था, याद रखिएगा, तो महाराष्ट्र में जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, ये जो शुरुआत किया गया था गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, इसमें पूछा गया है, ये भी पूछा गया है किसने शुरुआत किया है, ठीक है, याद रखना है। तो ये रहा आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा हो जरूर से ज़रूर बताइएगा, और क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है ना, कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों जो सहयोग है, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, है ना, कोई इसमें अथी नहीं रखा गया कि आपको इतना ही करना है, है ना, आपको 1000 रुपया ही करना है, आप कितनों भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सहयोग कीजिएगा तभी हम इस क्लास को आगे रख सकते हैं, रेगुलर रखेंगे, है ना। जो सहयोग करेंगे उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उनको अलग से मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, और कुछ लोग जुड़े भी हैं, है ना, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह जो भी होगा आपको सारा प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ये नंबर दिया गया, इस पर आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे करके आप सहायता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा CTET की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग CTET का आपके होंगे उनको बोल दीजिएगा, मंडे से क्लास हो रहा है, हिंदी का भी स्टार्ट हो जाएगा, संस्कृत का भी हो जाएगा, और ये दोनों का फ़ी अभी मात्र 400 रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया, मात्र 400 फ़ी रखा गया है, और 400 में आप अभी एडमिशन ले सकते हैं 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद ये 400 सीधा हो जाएगा आपको 700, ठीक है, 400 के बाद ये 700 आपका हो जाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, आपको नंबर दे दिया गया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो आज का जो टेस्ट था दोस्तों, ये 6 नंबर टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, महत्वपूर्ण ये 50 प्रश्न था, यहाँ से आराम से मान के चलिए तो 2-4-5 प्रश्न आपको एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में लड़े, जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वहाँ से लड़ सकता है, या फिर आपको इसमें से लड़ सकता है। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नंबर रहा, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे फिर इसी चैनल पर, और रात में 9 बजे से डेली आपका क्लास चलता है, रात में 9 बजे से, ताकि आप सभी का तैयारी पूरा हो सके, क्योंकि मैं पूरा ज़ोर शोर से लगा हुआ हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी हमेशा चलती रहे इसी प्रकार से। जो भी आप लोग इसमें और भी बदलाव चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सहयोग जरूर कीजिएगा, ताकि आप ही के सहयोग के बदौलत ये क्लास चल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कोई भी अभी फ़ी नहीं रखा गया है, अगर फ़ी निर्धारित कर दिया जाएगा तो
तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है, लेकिन जब तक फ्री है तब तक आप लोग आराम से देखिए, और फ्री ही रहेगा, सब दिन फ्री रहेगा, बस आप लोग से एक सहयोग की उम्मीद है, बस और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।